ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसके कुछ बेसिक्स देखे थे और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हम दो टर्म की बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिया था और मैंने ये बताया था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर हमारा पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए, जैसे वी ए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं, उसे हम लिख रहे हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक है, तो अगर हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए या किसी पार्टिकुलर पॉइंट बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना हो, यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ना कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है उसको, किसी पार्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हमें उसे डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड से, ठीक है, इस मेथड से अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझो। जैसे आप मैथमेटिक्स में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आप मेज़र कहाँ से करते हो, ओरिजिन से, और ओरिजिन को कहते हो कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस में जीरो और वाई एक्सिस में भी जीरो है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का जो मेज़रमेंट आप करते हो वो तो आप ओरिजिन से ही करते हो। तो आप ओरिजिन को, ओरिजिन आपका क्या हुआ, ओरिजिन आपका एक रेफरेंस पॉइंट हुआ जहाँ का कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। ठीक उसी तरीके से अगर आपको दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ना मेज़र करके केवल आपको कहा जाए कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक है, वो आप बताइए, उसे आप डिफाइन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जो होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो बाई कन्वेंशन वो जो पॉइंट है वो आपका इन्फिनिटी होता है, यानी कि किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पे जीरो होता है, यानी कि अनंत दूर तक। ठीक है, तो मान लो कि अगर आप इन्फिनिटी से, सपोज कर लो कि ये इन्फिनिटी है और यहाँ पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है, आप इन्फिनिटी से क्या कर रहे हो कि आप इन्फिनिटी से एक चार्ज कैरी कर रहे हो पॉइंट ए तक। ठीक है, और आपको वर्क डन करना पड़ रहा है डब्ल्यू। तो आप कहोगे कि हमारा ए और इन्फिनिटी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी मेथड से मैं बता रहा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ए और इन्फिनिटी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, तो इन्फिनिटी से ए तक मूव करने में जितना भी वर्क डन आपका हुआ, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका क्या हो जाएगा, ए से इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, अब आपको पता है कि इन्फिनिटी पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, हमारा जैसे कि हम ओरिजिन कहते हैं ना मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे जो रेफरेंस है पोटेंशियल जीरो होने का, वो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो गया, तो हमारा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और इन्फिनिटी के बीच में, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो ए पे है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग और कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, मान लो पार्टिकुलर पॉइंट आपने K ले लिया या P ले लिया, ठीक है, तो उसे कैसे डिफाइन करोगे, इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर कैरिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट P।
तो सिंपल है, अगर आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना हो किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो इन्फिनिटी से ए तक किसी भी चार्ज को कैरी में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, ए और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल, यानी कि ए का पोटेंशियल, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। ये हम मान के ही चलते हैं कि इन्फिनिटी का जो हमारा पोटेंशियल है वो जीरो होता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के ही बेसिस पे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इस मेथड से आपने क्या किया कि इस मेथड से आपने ए के पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया और फिर बी पॉइंट का भी पोटेंशियल निकाल लिया। अब कोई पूछेगा कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो सिंपली आप सब सब्सट्रैक्ट करके बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये था कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे, और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, किसी भी जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो बात आता है कि उसका एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो जब आप बात करते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट की, तो आपको पता है कि वो क्वांटिटी जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, वर्क डन क्या है, जो आपने काम किया, ठीक है, आपका जो एनर्जी खर्च हुआ वही तो उस पर वर्क डन है, ठीक है। तो वर्क डन सिंपल जूल, और चार्ज मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम, और जूल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। इसे आप ध्यान में रखेंगे, जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? वोल्ट। ये एक फिजिसिस्ट थे, अलेसांड्रो वोल्टा, उनके नेम के ऑनर में ये रखा गया था वोल्ट। सिंबल है कैपिटल वी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या हो गया? वोल्ट, रिमेंबर, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि होता क्या है कि हमने वर्क डन किया, हमने वर्क डन किया एक चार्ज पे, एक चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक हमने लाके रखा, हमने वर्क डन किया उसमें। ये वर्क डन गया कहाँ? 9th क्लास में वर्क पावर एनर्जी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, उन्हें पता होगा, मैंने बताया था कि वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि एक एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज करता है, ठीक है, अपने फॉर्म को। तो यहाँ पे आप जो वर्क डन कर रहे हो एक्चुअल में, तो आप एनर्जी खर्च ही कर रहे हो ना, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा? ये एनर्जी इस ग्रुप ऑफ चार्जेस के, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए तक लाना है चार्ज पॉइंट बी से, ठीक है, तो आप वर्क डन कर रहे थे और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहला रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये ग्रुप ऑफ चार्जेस का जो सिस्टम है, ठीक है, इसी सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है समझ में? जितना आप वर्क डन करोगे ना, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो आप वर्क डन करते हो, ये वर्क डन कहा जाता है सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके का सवाल पूछता है कि हमने वर्क डन किया, और हमने वर्क डन किया तो सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ठीक है, ये आपको सिंपली दे देगा, वो सारे डाटा दे देगा और पूछेगा कि कितना चेंज आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने वर्क डन किया, ठीक है, और वो वर्क डन कितना था, वो वर्क डन कितना था, हम पोटेंशियल जो डिफरेंस है हमारा दो पॉइंट ए और बी के बीच में, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन हो गया क्यू इंटू वी, यानी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतना हमने वर्क डन किया, और यही वर्क डन कन्वर्ट होता है सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना अमाउंट से बढ़ जाएगा? क्यू इंटू वी, क्यू इंटू जी। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि हमारे सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना अमाउंट से चेंज करता है जब हम वर्क डन करते हैं चार्ज पे तब, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, बस आप इसे नोट करके रखना है। अब चलो, हाँ देखो,
देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जो ये जो वोल्ट है, ठीक है, जो आप कहते हो वोल्ट, ठीक है, तो वोल्ट जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि एक वोल्ट को डिफाइन करो या वोल्ट को डिफाइन करो। तो आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, और वर्क डन जूल और चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट, तभी ये जाके बनता है वोल्ट। तो अगर आपको एक वोल्ट को डिफाइन करने के लिए कहता है, ठीक है, कभी कभी ऐसे एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ दिए जा सकते हैं, तो आप क्या करोगे, इसी डेफिनेशन के बदौलत तो आप डिफाइन कर लोगे, ठीक है। आप क्या कहोगे कि अगर हमें, ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, मेरा स्टेटमेंट देखो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन कैरिंग अ चार्ज, ऑफ 1 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड बी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको 2 पॉइंट दिया जाए, ए और बी, और ए और बी के बीच में कहा जाए कि आपको एक चार्ज को प्लेस करना है, और चार्ज जो है ना उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, तो 1 कूलम का चार्ज है, और अगर आपको वर्क डन करना पड़ रहा है 1 जूल, 1 कूलम के चार्ज के लिए आपको वर्क डन करना पड़ रहा है 1 जूल, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को बी से ए तक प्लेस करने में, तो आप कहेंगे कि ए और बी के बीच में उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि आप वर्क डन को डिफाइन, सॉरी वर्क डन नहीं, आप वोल्ट को, जो एसआई यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कभी कभी होता क्या है ना कि ये वही वोल्ट है, ठीक है, ये वही वोल्ट है जो आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं घरों में, कि वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है आज थोड़ा लो है, 170 वोल्ट है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ठीक है, कभी कभी इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज, ठीक है, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, वोल्टेज इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है ना इसी को कहते हैं वोल्टेज। और जब बोलते हैं कि वोल्टेज कितना है, तो वो आता है 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 170 वोल्ट, तो ये वोल्टेज का ऐसा यूनिट है कौन, वोल्ट, ठीक है, और वोल्ट ऐसा यूनिट है, और वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही कभी कभी वोल्टेज कहा जाता है, या बहुत लोग वोल्टेज ही बोलते हैं, ओके।